बॉलीवुड की फेमस आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में मलाइका अरोड़ा नजर आई हैं, एक बात कहती है, बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड बट बिकॉज यू कैन सी द गुड इन एवरीथिंग। इसका मतलब यही है, खुश रहो इसलिए नहीं क्योंकि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो सब कुछ में अच्छा ही है। मलाइका का ये मतलब इसलिए था क्योंकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें लोग ट्रॉल करते हैं, उसे वो पॉजिटिव वे में लेती है, सकारात्मक तरीके से मलाइका इसे इसलिए लेती है क्योंकि उनके स्टारडम का असर ये साफ बयां करता है कि जितनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी उतनी ही ज्यादा उन्हें आलोचनाओं से घिरे रहना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 100 में 99 लोग आपको सपोर्ट ही करें और एक ही आपके खिलाफ हो। जी हाँ, अगर 90 लोग आपको पसंद करते हैं तो 10 लोग आपके खिलाफ भी होंगे, आपके सक्सेस के खिलाफ होंगे, जो बार बार आपको कोशिश करेंगे कि आपको नीचे गिराना है, आपकी अच्छाई में भी बुराइयां ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस वक्त स्ट्रांग बनना है और सकारात्मक रहना है, मलाइका का ये कहना है। और मलाइका अरोड़ा ने ये कहकर अपने फैंस को करारा जवाब दे दिया है कि इस तरह से खुद को स्ट्रांग रखना है। मलाइका ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि जिस अर्जुन कपूर के साथ वो रिलेशनशिप में है, 11 साल का फासला दोनों के एज में है, लेकिन रिलेशनशिप में इस एज के फासले को नहीं लाने देना चाहती। शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे को जानने और समझने में वक्त दे रहे हैं। ऑफिशियल दोनों ने अपने रिलेशन को कर लिया है, लेकिन एम्बेरेस मलाइका हुई है क्योंकि उनकी शादी को लेकर अर्जुन ने साफ कह दिया है कि मलाइका से वो शादी नहीं करने वाले हैं। लगातार ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण मलाइका अरोड़ा रही हैं और इस बात से वो अनजान नहीं है, जिसे लेकर गिले शिकवे हमेशा वो खुलकर बयां करती आई हैं। कई बार गुस्सा होती है मलाइका ट्रोलर्स पर, तो कई बार वो इग्नोर करना भी जानती होने, इसलिए मलाइका ने ये बातें कह दी है। भले ही उन्हें लेकर एक शख्स ने तो ये भी कह दिया कि आपको तो गुड बस अर्जुन में ही दिखता है, लेकिन मलाइका जान चुकी है कि लोगों को अब बातें करते देखना है, कुछ भी नहीं कहना है। बता दें हम आपको, मलाइका अरोड़ा की एज को लेकर भी लगातार उन्हें ट्रॉल किया जाता है। 45 साल की मलाइका अरोड़ा जिस तरह से फिटनेस फ्रीक बनी हुई है, योगा और जिम के माध्यम से जिस तरह वो खुद को फिट रखती हैं, इसकी जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब तारीफ होती है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कई बार कई लोग उनका मजाक भी बनाते हैं, एज्ड भी उन्हें कहते हैं, बुद्धि भी उन्हें कह देते हैं, लेकिन मलाइका का इस पर कोई असर नहीं होता। जितना ज्यादा वो ट्रॉल होती हैं, उतनी ही ज्यादा तेजी से वो खुद के ग्लैमरस अदाओं से जलवा बिखेरने के लिए आगे आ जाती हैं और एक के बाद एक बड़े पोस्ट भी कर देती हैं। यही कारण है कि मलाइका को लेकर लगातार हो रही है बातें। बताना चाहेंगे हम आपको कि मलाइका ना सिर्फ जिम और योगा को लेकर जुड़ी हुई है, ना सिर्फ फिटनेस इंस्ट्रक्टर है वो, बल्कि कई ब्रांड को लेकर, क्लोथिंग ब्रांड को लेकर वो जुड़ी हुई है, कहीं कोई ज्वेलरी ब्रांड को लेकर, और तो और ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस से लेकर वेस्टर्न ड्रेस को लेकर भी जुड़ी हुई है वो, कोई स्पोर्ट्स ब्रांड को लेकर भी वो जुड़ी हुई है, और इसे लेकर वो खुश हैं कि उनकी जिंदगी में उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है वो और उनका पूरा परिवार उन्हें सपोर्ट करता है। तो जाना इन दिनों क्या चल रहा है बॉलीवुड की फेमस मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में, अर्जुन से हटकर किस तरह अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करती है और अर्जुन के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए कैसी सोच को वो बनाए रखती है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा और आपकी सोच में भी फर्क जरूर आया होगा, क्योंकि खुश रहने के लिए आपको खुश दिखना जरूरी नहीं बल्कि अच्छाई देखने की जरूरत है। फिलहाल लेते हैं यहीं पर इजाजत, लौटेंगे जल्द ऐसी ही नई खबरों को लेकर आपके बीच पेश करने के लिए। दिल देते रहें आप हमारे चैनल को प्यार। नमस्कार।